आज हम पढ़ेंगे सर्वे के बारे में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्वे। तो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, सबसे पहले ये देखिए। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट में सबसे पहला जो यूनिट होता है वह होता है हॉरिजेंटल डिस्टेंस। हॉरिजेंटल डिस्टेंस, दूसरा होता है वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस, तीसरा होता है हॉरिजेंटल एंगल। हॉरिजेंटल एंगल, और चौथा होता है वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल। सो इसमें देखिए, ये जो दो हैं ये हमारे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं और ये दो हमारे एंगल को बताते हैं। ये हमारे डिस्टेंस को बताते हैं और ये हमारे एंगल को बताते हैं। अब देखिए, जो इंडिया में जो यूनिट, ऐसा यूनिट जो ली गई थी डिस्टेंस नापने के लिए, वो एक्ट 1956 से इंडिया में डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, डिस्टेंस मेजरिंग यूनिट जो आया वो मीटर एंड सेंटीमीटर। और इससे पहले 1956 से पहले जो हमारा डिस्टेंस इंडिया में मेजर किया जाता था वह किया जाता था माइल या फरलॉन्ग। वन माइल इक्वल टू 1.602 किलोमीटर और अक्रॉस 1.6 किलोमीटर लिया जाता, और 1 फरलॉन्ग इक्वल टू 0.2011 और किलोमीटर और 0.2 किलोमीटर यह लिया जाता। सो ये तो हमारी होगी यूनिट के बारे में कि जो हमारा लाइट ईयर है, ईयर इज ऑल्सो यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये हमारा लाइट ईयर जो है ये भी हमारा एक डिस्टेंस की ही यूनिट है। अब आता है सिस्टम ऑफ एंगुलर मेजरमेंट। देखिए क्या होता है सिस्टम ऑफ एंगुलर मेजरमेंट। सिस्टम ऑफ एंगुलर मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ एंगुलर मेजरमेंट, इसमें क्या होता है, सबसे पहला जो सिस्टम हमारा है एंगुलर मेजरमेंट के लिए वो है सेक्सी सेसी गेस नल सिस्टम। सेसी गेसनल सिस्टम। हमारा दूसरा जो है वो सेंटिसनल सिस्टम। दूसरा हमारा सेंटिसनल सिस्टम और तीसरा हमारा आवर्ली सिस्टम। सेसी गेसनल सिस्टम क्या होता है, सेसी गेसनल सिस्टम में अगर हम वन सर्कमफ्रेंस इक्वल टू, हमें पता है 360 यानी कि 360 डिग्री होता है। वन सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसमें वन डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है और 1 मिनट
इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। ये हमारा सेसिगेशनल सिस्टम में आता है। दूसरा हमारा सेंटिशनल सिस्टम। सेंटिशनल सिस्टम क्या होता है? सेंटिशनल सिस्टम में वन गेज इक्वल टू 100 सेंटीगेज होता है। ये हमारा सेंटिशनल सिस्टम में आता है। और तीसरा होता है हमारा आवर्ली सिस्टम। आवर्ली सिस्टम में क्या हम लेते हैं? 1 सेकेंड इक्वल टू सॉरी 1 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। अब हम आगे देखेंगे स्केल के बारे में, टाइप ऑफ स्केल। ये कौन कौन सी टाइप होती है देखिए। टाइप ऑफ स्केल, टाइप ऑफ स्केल, इसमें कौन कौन सी स्केल होती है? सबसे पहला होता है हमारा प्लेन स्केल, दूसरा होता है डायगोनल स्केल, डायगोनल स्केल, तीसरा होता है हमारा कर्व्ड स्केल, ये तीन टाइप के हमारे होते हैं। और चौथा होता है हमारा वर्नियर स्केल। सो वन बाय वन हम इस सबके बारे में देखेंगे कि ये सारी चीजें होती क्या है। प्लेन स्केल क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, कर्व्ड क्या होता है, वर्नियर क्या होता है। सो आइए वन बाय वन हम देखते हैं ये चारों में से प्लेन स्केल। सबसे पहले हम देखते हैं प्लेन स्केल क्या होता है। प्लेन स्केल हमारा होता कैसा है देखिए। प्लेन स्केल मान लीजिए कि ये है हमारा कोई स्केल है, स्केल है, इसमें इस टाइप के बने होते हैं। ये इस टाइप के कुछ बने होते हैं। प्लेन स्केल इसमें 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब मान लीजिए कि हमारी कोई रीडिंग यहां आ जाती है तो हम इसको कैसे लिख लेते हैं? इसको लिख लेते हैं 2 पॉइंट। अब इस तरह है तो 1, 2, 3, 2.3। प्लेन स्केल हमेशा 2 डिजिट की रीडिंग देती है। हमेशा प्लेन स्केल हमेशा 2 डिजिट की रीडिंग देती है। जो 2 डिजिट की हमारी रीडिंग देती है वही हमारा प्लेन स्केल होता है। अब डायगोनल स्केल क्या होता है देखिए। डायगोनल स्केल क्या होता है? यहां पे आप मान सकते हैं कि मान लीजिए कि हम इसको लेके चलते हैं 2 को, ठीक है, ठीक। तो यहां ऐसे एक लाइन ड्रॉ हो जाती है डायगोनल स्केल में इस टाइप का कुछ।
ठीक है, इस टाइप की कुछ लाइन ड्रॉ हो जाती है। ठीक अब इधर को ऐसे ही मान के चलिए, फिर इधर 10 पार्ट्स होते हैं उसके, ऐसे होती है, इधर भी एक लाइन ऐसे ड्रॉ की जाती है। अब मान लीजिए कि हमारी कोई डिजिट यहां पहुंच जाती है, यहां पे, तो हम इसको कैसे नापते हैं? देखिए, ये 1 है, 1 से हम यहां तक गए, तो ये 5, ये 6, ये 7, 1.7। अब यहां से ऊपर गए 1, 2, 3, तो ये इस हिसाब से डायगोनल स्केल हमेशा 3 की रीडिंग देती है, 3 डिजिट की रीडिंग देती है, कि हमारा डायगोनल स्केल होता है। अब आ रहा है कर्ड स्केल। कर्ड स्केल में कुछ नहीं होता, कर्ड स्केल कुछ नहीं होता, केवल ये एंगल बताता है, केवल एंगल बताता है ये कर्ड स्केल। कर्ड स्केल हमेशा एंगल ही बताता है और इसमें कुछ भी नहीं होता कर्ड स्केल में। अब आता है बात वर्नियर स्केल का। वर्नियर स्केल क्या होता है देखिए, वर्नियर स्केल जो होता है, वर्नियर स्केल हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू देता है, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, ये हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू होता है। वर्नियर स्केल में एक स्केल ऐसी होती है जो फिक्स होती है, और एक वर्नियर स्केल होती है जो हमारी मूव करती है, वही हमारा लीस्ट काउंट कहलाती है। और वर्नियर स्केल में बहुत सारे वर्नियर स्केल होते हैं, जैसे कि वर्नियर सबसे पहला होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट, और तीसरा होता है एक्सटेंडेड टाइप। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट के बारे में। देखिए डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट वर्नियर। यहां देखिए, इन दिस टाइप ऑफ वर्नियर डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज स्लाइटली स्लाइटली लेस देन स्लाइटली लेस देन द वर्नियर स्केल डिवीजन। अब देखिए, अगर इसको हम डिस्क्राइब करेंगे तो कैसे करेंगे? स्लाइटली लेस देन है तो n माइनस 1 इंटू s, ठीक है। इसमें यस का है, यस क्या है, यस है हमारा विड्थ ऑफ 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, विड्थ ऑफ 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल है हमारा एस, ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। एन क्या नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। अब देखिए, ये एन माइनस वन इंटू यस होगा, और यहां पे एन इंटू वी, वी क्या है हमारा, विड्थ ऑफ 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ये है हमारा विड्थ। अब हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, क्या हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू एस इक्वल टू एन इंटू वी, ठीक है। लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट इक्वल टू होगा एस माइनस वी, ठीक है।
लीस्ट काउंट क्या होगा, एस माइनस वी। अब यहां से अगर हम वी निकाल सकते हैं तो यहां से हम वी निकाल सकते हैं। देखिए वी क्या होता है, इसको यहां लिख लो, लीस्ट काउंट बराबर एस माइनस वी। यहां से वी निकाल दो, वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू एस अपॉन एन। ठीक है, इस वी की वैल्यू यहां पुट कर दो, ये हो जाएगा एल एस इक्वल टू एस माइनस एन माइनस वन इंटू एस अपॉन एन। इसको जब सॉल्व करोगे तो हमारा आएगा एस एल एस इक्वल टू एस एस अपॉन एन, ये आएगा। लीस्ट काउंट इक्वल टू ब्रिथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ये हमारा लीस्ट काउंट जो होगा, ये हमारा डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्सटेंडेड टाइप, इन तीनों के लिए सेम होगा। अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट के लिए। इनडायरेक्ट क्या होता है, देखिए इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट वर्नियर, इसमें क्या होता है, द डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज स्लाइटली ग्रेटर देन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ये होता है। अब इसमें देखिए, अगर आप इसको देखेंगे तो इस केस में क्या पाएंगे कि ये हो जाएगा आपका n प्लस वन इंटू एस, एन पता है आपको, s पता है, इसलिए भी वही n इंटू वी। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो n प्लस वन इंटू एस इक्वल टू एन इंटू वी। यहां से v निकालेंगे तो v इक्वल टू एन प्लस वन इंटू एस अपॉन एन आएगा। ठीक है, लीस्ट काउंट इक्वल टू एस माइनस वी, v की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका एल एस लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट इक्वल टू हो जाएगा एस माइनस ये एन प्लस वन इंटू एस अपॉन एन, दैट इक्वल टू लीस्ट काउंट इक्वल टू एस अपॉन एन। मैंने आपको बोला था कि लीस्ट काउंट तीनों स्केल के लिए सेम होगा, चाहे वो डायरेक्ट हो, वर्नियर हो, डायरेक्ट वर्नियर हो, इनडायरेक्ट वर्नियर हो, या फिर एक्सटेंडेड टाइप वर्नियर हो, इन तीनों के लिए लीस्ट काउंट सेम होगा। तो ये हमारा इनडायरेक्ट के लिए लीस्ट काउंट इतना है। अब आता है हमारा एक्सटेंडेड टाइप वर्नियर, देखिए इसमें क्या होता है। एक्सटेंडेड टाइप वर्नियर, एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू टू एन, इक्वल टू टू एन माइनस वन, टू एन माइनस वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ये एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू टू एन माइनस वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ये हमारा है एक्सटेंडेड टाइप वर्नियर। अब देखिए, अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, ये तो आप कहोगे टू एन माइनस वन, टू एन माइनस वन इंटू एस एन इंटू बी, इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए
तो यह आ जाएगा 2n माइनस 1 इंटू एस इक्वल टू एन इंटू वी, ठीक है। v इक्वल टू क्या आ जाएगा 2n माइनस 1 इंटू एस अपॉन एन, लीस्ट काउंट बराबर लीस्ट काउंट इक्वल टू होता है एस इन माइनस वी, ठीक है। v की वैल्यू से पुट कर दीजिए, लीस्ट काउंट इक्वल टू एस माइनस v की वैल्यू ये रही 2n माइनस 1 इंटू एस अपॉन एन, लीस्ट काउंट इक्वल टू एस अपॉन, लीस्ट काउंट हमेशा तीनों के लिए सेम होगा। इसमें एस क्या है, एस है ब्रिथ ऑफ डिवीजन ऑफ ब्रिथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल, एन क्या है नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। अब हम बात करेंगे चेन के बारे में, चेन क्या होता है देखिए, चेन क्या होता है, चेन कैसे होता है वो भी देखिए। चेन ठीक है, चेन कैसे क्या होता है, कुछ इस टाइप का चेन होता है हमारा, ठीक है, कुछ इस टाइप का हमारा चेन होता है, कुछ इस टाइप का हमारा चेन होता है, ठीक है। ओके, ब्रॉस इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ब्रॉस हैंड, ब्रॉस हैंड। ये होता है गोलोलाइज माइल स्टील, माइल गोलोलाइज माइल स्टील होता है ये, इसको कहते हैं हम सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग इसको कहते हैं सर्कुलर रिंग। यहां से लेके यहां तक का जो हमारा होता है ये लीस्ट काउंट होता है, ये लिंक होता है, लिंक कहते हैं इसको। ये हमारा 20 मीटर का होता है, जो हमारा लिंक होता है 20 मीटर का होता है, ठीक है, और इसी को हम लोग लीस्ट काउंट कहते हैं, ठीक है। ओके, अब आती है बात टाइप ऑफ चेन के बारे में, टाइप ऑफ चेन। सबसे पहला चेन कौन सा होता है, सबसे पहला होता है हमारा गंटर चेन, ठीक है। दूसरा हमारा होता है इंजीनियरिंग चेन, इंजीनियरिंग सबसे पहला होता है हमारा गंटर चेन, दूसरा होता है हमारा इंजीनियरिंग चेन, तीसरा होता है रेवेन्यू चेन, और चौथा हमारा होता है मैट्रिक चेन, गंटर चेन। क्या होता है गंटर चेन को ही हम लोग कहते हैं सर्वेयर चेन, गंटर चेन क्या होता है, गंटर चेन में जो हमारा लेंथ होता है वो 66 फीट का होता है, ठीक है, 66 फीट का होता है, और जो हमारा लिंक होते हैं वो हमारे टोटल 100 लिंक होते हैं, 100 लिंक्स। इंजीनियरिंग चेन क्या होता है, इंजीनियरिंग चेन जो हमारा होता है वो एल जो होता है हमारा 100 फीट का होता है, हमारी लिंक जो होती है वो 100 होती है, ठीक। रेवेन्यू चेन में हमारा जो लेंथ होता है वो होता है 33 फीट, ठीक है, हमारी जो लिंक होती है
वो होती है हमारी 16। और जो हमारा मैट्रिक चेन होता है, ये मैट्रिक चेन में हमारा लेंथ होता है या तो 20 मीटर का होगा या तो 30 मीटर का होगा, ठीक है। और ये जो लिंक होगी वो 100 से 150 होगा, ठीक। ये चेन होते हैं, फोर टाइप के चेन होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा गंडर चेन, दूसरा होता है इंजीनियरिंग चेन, तीसरा होता है रेवेन्यू चेन, और चौथा होता है मैट्रिक चेन। गंडर चेन में लेंथ जो होता है वो 66 फीट का होता है और लिंक होते हैं 100। इंजीनियरिंग चेन लेंथ जो होता है वो 100 फीट का, यानी 100 फीट का होता है, और लिंक जो होते हैं वो 100 होते हैं, यानी 100 होते हैं। रेवेन्यू चेन में लेंथ होता है 33 फीट का और लिंक होते हैं 16। मैट्रिक चेन में लेंथ होता है 20 से 30, 20 से 30 मीटर, और लिंक होता है 100 से 150। अब इसमें कुछ नोट्स हैं, जैसे हर 5 मीटर और 10 मीटर पे एक हम ट्रॉली लगाते हैं, ट्रॉली, ठीक है, एक हम टॉलीज लगाते हैं। टॉलीज कैसा होता है, अगर 5 मीटर से हम टॉली लगाते हैं तो कोई इस टाइप का होगा, ठीक है, ये 5 मीटर पे है। अगर हम 10 मीटर पे टॉली लगाएंगे तो कुछ ये इस टाइप का होगा। तो दो बने होंगे। अगर हम 15 मीटर पे लगाएंगे कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। ये इस टाइप का कुछ ट्रॉलीज होते हैं, हर 5 और 10 मीटर पे लगाए जाते हैं, ठीक। ये तो हो गया हमारा चेन के बारे में। अब आता है टेप के बारे में। टेप क्या होता है, टेप, अब बात करेंगे टेप के बारे में, मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप, टेप क्या होता है, टेप इज ए अपडेटेड वर्जन ऑफ चेन। टेप एक अपडेटेड वर्जन है चेन का। अब मेजरिंग टेप होते कितने टाइप के हैं, इसमें सबसे पहला होता है क्लॉथ एंड वायर टेप, ठीक है। दूसरा होता है हमारा मैटेलिक और स्टील टेप, ठीक है। तीसरा हमारा होता है फैब्रिक टेप, ठीक है। और चौथा हमारा होता है इनवॉल्व टेप, वायर टेप, मेटालिक एंड स्टील टेप, फैब्रिक टेप और इनवॉल्व टेप। क्लॉथ एंड वायर टेप के बाद, क्लॉथ एंड वायर टेप कहीं कहीं पे अपने ड्रॉबैक्स शो कर जाते थे, इसलिए इनके बाद मेटालिक टेप लाया गया। मेटालिक टेप के बाद फिर फैब्रिक टेप आया, इसके बाद इनवायर टेप आया, ठीक। क्लॉथ एंड वायर टेप जो होता था, ये क्लॉथ एंड वायर का बना होता था, ठीक, क्लॉथ एंड वायर का बना होता था। ये लाइट एंड फ्लेक्सिबल होता था, ठीक है, लाइट एंड फ्लेक्सिबल होता था। इसकी जो ब्रिथ होती थी वो 12 to 16 मीटर की होती थी। इसकी जो ब्रिथ होती थी 12 to 16 mm की होती थी। इसकी ब्रिथ 12 to 16 mm की इसकी ब्रिथ होती थी। इसके ड्रॉबैक्स क्या थे, इसके ड्रॉबैक्स जो थे, इसके जो ड्रॉबैक्स थे वो ये थे कि हाई टेम्परेचर, यानी कि नेचुरल कंडीशन पे अगर हम कहीं फील्ड में काम कर रहे हो और हमारा टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो उस केस में ये स्ट्रेच हो जाते थे, यानी कि बढ़ जाते थे। अगर मान लीजिए हमें 20 मीटर का डिस्टेंस हमें नापना है तो वो बढ़ के जो है कहीं 21 मीटर हो जाते थे,
कहीं 19 मीटर हो जाते थे। तो ये नेचुरल नेचुरल जो हमारे कंडीशन थी उस पे ये ड्रॉबैक्स शो कर जाते थे, यानी कि टेम्परेचर हाई और टेम्परेचर लो पे ये स्ट्रेच हो जाते थे और सिकुड़ जाते थे। तो ये इसकी ड्रॉबैक्स थी। इसके बाद आया था हमारा मेटेलिक टेप। तो मेटेलिक टेप क्या था? मेटेलिक टेप हमारा 6 to 10 mm का इसका ग्रिप था, ये लाइट वेट था, ये लाइट वेट था, ये लाइट वेट था और 6 to 10 इसका ब्रेथ था। इसके जो ड्रॉबैक्स थे, ये हाई टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो जाता था। इसकी ये ड्रॉबैक्स थे कि हाई टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो जाता था। इसके बाद आया हमारा फैब्रिक टेप। फैब्रिक टेप आया, फैब्रिक टेप हमारा एक ऐसे जगह यूज किया जाता था जहां पे इलेक्ट्रिक का काम हो रहा हो, जहां पे हमारा इलेक्ट्रिक का वर्क चल रहा था वहां पे हम फैब्रिक टेप का उपयोग करते थे। इसके बाद आया हमारा इन्वॉल्व टेप। इन्वॉल्व टेप क्या होता है? इन्वॉल्व टेप हमारा दो मटेरियल से बनाया गया। पहले बनाया गया एलॉय ऑफ निकल एंड स्टील, ठीक है, निकल और स्टील से इसके बनाया गया। और इस ये जो है बहुत कॉस्टली था और इसके जो ड्रॉबैक्स थे वो ये थे कि ये इतना हार्ड था कि इसको हम मोड़ नहीं सकते थे। इसको अगर हमें कहीं पे लगा कहीं मोड़ना है, अगर हम मान लीजिए कि ये हमारा कोई इतना छोटा है इस पे हम मोड़ रहे हैं तो ये टूट जाता था। इसलिए इसको हमें रखने के लिए एक बड़ा डाया का कुछ चाहिए होता था, इसमें हम इसको लपेटते थे। यही इसके ड्रॉबैक्स थे, एरर एंड करेक्शन। एरर एंड करेक्शन एरर एंड करेक्शन एरर एंड करेक्शन में देखिए दो चीजें हैं, ठीक है। टेप साइज एरर करेक्शन, ठीक है। मान लीजिए कि आपका कोई टेप है 30 मीटर का, ठीक है। अब उसकी जो साइज थी वो साइज आपकी 29 हो गई, तो जो एरर आएंगे वो क्या आएंगे? 30 - 29 इक्वल टू 1, ठीक है। ये 1 जो आया है ये हमारा पॉजिटिव आया है, ये 1 हमारा पॉजिटिव आया है। अगर हमारा एरर पॉजिटिव आता है तो हमारा करेक्शन हमेशा निगेटिव होगा। ये है पहला। दूसरा है, अगर आपका टेप की साइज 31 हो जाती है तो एरर जो आएगा वो 30 - 31 यानी कि -1, ये हमारा निगेटिव आया है एरर। अगर हमारा एरर निगेटिव आएगा तो हमारा करेक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा। ये इसके यही एरर एंड करेक्शन है। अगर हमारा एरर पॉजिटिव आएगा तो हमारा करेक्शन निगेटिव होगा, और अगर हमारा एरर निगेटिव आता है तो हमारा करेक्शन पॉजिटिव होगा। ये हमारा एरर एंड करेक्शन है। करेक्शन का जो अगला टॉपिक है ये हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट में। उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। करेक्शन ड्यू टू करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।